करनाल के सेक्टर 14 स्थित श्री कृष्ण मंदिर में भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल प्रकोष्ठ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अंगद चौरसिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार में होने वाले चुनाव में अपना योगदान दें और अपने सगे संबंधियों को भारतीय जनता पार्टी के बारे में जागरूक करें। इस मौके पर पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सुधीर यादव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जो लोग पूर्वांचल प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वह बिहार के चुनाव में अपनी भूमिका निभाएं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल प्रकोष्ठ के मदन गुज्जर ने प्रदेश अध्यक्ष का फूलों के बुके देकर स्वागत किया। जिला संयोजक की जिम्मेवारी है पूर्वांचल प्रकोष्ठ का और हमारे वरिष्ठ प्रदेश संयोजक श्रीमान अंगद चौरसिया जी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। इनका दिशा निर्देश के अनुसार आगे की बैठक चल रही है। मुद्दा यही है बिहार का चुनाव। अभी आप कह रहे थे बिहार में जो माननीय नीतीश कुमार जी के अध्यक्षता में उनके मुख्यमंत्री रहने के बाद जो कार्य हुआ है वो सब सराहना करते हैं पूरे बिहार प्रदेश के लोग। सही बात है कि जंगल राज खत्म हो गया है। हर गांव में जाने के लिए जितनी नदियां हैं बिहार में, भारत के सबसे ज़्यादा नदी बिहार में बहती हैं और सभी नदी पे हर 3 किलोमीटर पे पुल का निर्माण किया गया है। एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पुल का निर्माण नहीं हुआ हो और कहीं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से घूम के जाना पड़े। जहाँ जो गाँव है उसके सामने ही पुल बना दिया गया है ताकि वो अपने शहर में, अपने कहीं कार्यक्षेत्र में जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो अपने घर से निकले और सामने की नदी में पुल से बाहर जा सके। ऐसे ऐसे कार्यों में कृषि क्षेत्र में बिहार में पहले बिजली की समस्या था बहुत ज़्यादा, दूर दूर तक कई कई किलोमीटर तक बिजली नहीं थी, लेकिन आज नीतीश कुमार जी का देन है कि हर खेत में और हर घर में बिजली की मीटर लग गए हैं और लोगों को पानी की सुविधा दी गई है। वहाँ पानी की टंकी लगाई गई है, हर घर में टूटी दिया गया है, वहाँ पे सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इंटरलॉकिंग की बजाय वहाँ RCC सड़क बनाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक चल सके, क्योंकि वहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, साल में 2 महीना 2.5 महीना बाढ़ रहते हैं। आज की मीटिंग जो हमारा है बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उस बारे में हम लोग विचार विमर्श के लिए बैठे हैं कि बिहार क्षेत्र में, बिहार में NDA का सरकार बने, भाजपा का सरकार बने पूर्ण रूप से, और इसलिए हम लोग अपने अपने स्तर पे अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार को और जो हम बिहार के रहने वाले हैं अपनी स्वेच्छा से वहां जाके प्रचार प्रसार करेंगे और भाजपा का सरकार पूर्ण रूप से बनाएं। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्री कृष्णा मंदिर से प्रदेश कार्यकारिणी की पूर्वांचल प्रकोष्ठ की बैठक, जिसमें प्रदेश संयोजक अंगद चौरसिया जी आए हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आज आप, किस लिए यहाँ पहुँचे? क्या मुद्दा है? आज हमारी प्रदेश कार्य समिति की करनाल जिले में बैठक रखी गई है, जिसमें हम लोगों ने बिहार चुनाव को लेकर के अपने पूर्वांचल भाइयों में एक प्रचार प्रसार का काम करने का काम करने के लिए हम यहाँ बैठक रखे हैं। अब मेरे सभी जिला संयोजक के समक्ष अपनी बातें रखेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष बातें रखेंगे कि जो हमारे बिहार प्रदेश में जो प्रत्याशी BJP के चुनाव लड़ रहे हैं चाहे अपने NDA के चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग अपने यहीं से टेलीफोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो संदेश पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर के जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा सौभाग्य है और हमारे नेता जो विश्व के सबसे बड़े नेता आज भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया में बढ़ चढ़ के बोल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नेतृत्व के पीछे, और नेतृत्व हो नरेंद्र मोदी जी, जिनके विचार जिनके कार्यप्रणाली से आज पूरा विश्व इतना प्रभावित है और उसी प्रभाव को लेकर के आज भारत का जो भारत राष्ट्र का जो विकास हो रहा, उस विकास की कड़ी लड़ी टूटने ना पाए, उस छोटी सी कड़ी में कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने साथियों के साथ एक संदेश है कि भाई बिहार में जो मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरे भाई रहते हैं, मेरे गांव के लोग रहते हैं, मेरे पटेदार के लोग रहते हैं, मेरे दोस्त रहते हैं, उन सबको हम टेलीफोन के माध्यम से संपर्क साधें और उनको किसी भी रूप में चुनाव में तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां जितने भी हैं प्रलोभन देंगी चुनाव के लिए, उन प्रलोभन ना पड़ के जो राष्ट्र निर्माता जो राष्ट्र का नेतृत्व कर रही है उस नेतृत्व की पार्टी को वोट करे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करे। इन्हीं संदर्भ लेकर हम यहाँ बैठक कर रहे हैं आज। तो क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे पदाधिकारियों को? सभी पदाधिकारियों को हम बैठक में समीक्षा ले रहे हैं। अब उसमें निर्देश यही है कि भाई अपने क्षेत्र के जितने भी पूर्वांचल के यहाँ लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, उन सभी को टेलीफोन के माध्यम से वहाँ के अपने लोगों को संपर्क साधें, जो लोग वहाँ चुनाव में जा वोट जिनका वोट वहाँ बना हुआ है वोट डाल सकते डालने जाएं ताकि अपने राष्ट्र का निर्माण हो सके, निर्माण में हम लोग भागीदारी निभा सके, यही हमारा परम कर्तव्य है।
ज्यादातर पूर्वांचल के लोग हरियाणा में रहते हैं, उनको वहाँ भेजने का भी कुछ कार्यक्रम है? बेसिकली क्या है कि अपने स्तर पर हम लोग ये काम कर रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से अपने काम कर रहे हैं। जो साथी अगर जाना चाहते हैं स्वेच्छा से जा सकते हैं, क्योंकि पूर्वांचल हमारा घर है, हमारा प्रांत है, वहाँ जा करके अगर हम मतदान करते तो इस अच्छी बात क्या होगी हमारे लिए। 15 साल राज किया वहाँ पे बीजेपी और नीतीश वगैरह ने, तो अब तेजस्वी जो वादे कर रहे हैं 12 लाख नौकरियाँ देंगे और बेरोजगारी उठाएंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेसिकली ये मुद्दा तो मेरे राष्ट्र का है, मेरे प्रधानमंत्री का है और मेरे प्रदेश अध्यक्ष का मुद्दा है। बट अगर आप प्रश्न आपने मेरे से किया है तो मैं तो यही कहूंगा कि लारे लप्पे चुनाव का टाइम आ गया है। उनकी भी सरकारें 15 साल रही, उन्होंने कितनी नौकरियां दिया है बिहार के लोगों को पूरा पता है। बिहार को कहां ले गए? जंगल राज ले गए, जहां पर राजनी गुंडागर्दी और उठाईगिरी का काम था, जहां पर उद्योगपतियों को नामो निशान नहीं था। आज कम से कम उद्योग लगाने के लोग सोच तो रहे हैं बिहार के अंदर। आज नीतीश जी के नेतृत्व में जंगल राज सारा समाप्त हुआ है, कानून व्यवस्था लागू हुई है, मेरी माताएं बहनें आज शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रही हैं, आज लोग बिहार में निवेश करने के दूसरे प्रांत के लोग सोच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने ध्यान दिया है, तो निश्चित है कि आने वाले टाइम में बिहार और अच्छा बनेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.